कलकत्ता जा रहे थे, तो कलकत्ता जाते हुए हमें ये हाईवे है, कलकत्ता हाईवे पर हमें ये खजूर का गुड़ की दुकान दिखाई दी, और ये सारी इसी साइड में दुकान है, पूरी हाईवे है ये। हाईवे से हम यहाँ रुके, हमने देखा ये दुकान वाले भैया हैं, ये बैठे हुए हैं दादा, और ये देखो ये खजूर का गुड़, ये जो है इस तरह से खजूर का, जो खजूर के पेड़ से जो रस निकलता है ये है, और इस मटके में रहता है ये इनका रखने का इधर है सारा आइटम। और ये आज का ये ताजा खजूर का रस जो निकलता है ये है। आज हमने भी पहली बार लाइव में देखा कि यहाँ खजूर का गुड़ कैसा होता है, और इन मटकों में ये रखा जाता है। ये खजूर जो खड़ा है इस पेड़ से मटका लट, ये खजूर से गुड़ निकलता है, और गुड़ निकलने के बाद रस, और इसको इन मटकों में पैक किया जाता है। रस ला के इसमें डालते हैं, इसमें डालने के बाद इसको भट्टी पर गर्म करते हैं। इस भट्टी पर गर्म करने के बाद मटके में रखते हैं, ये मटके में रखने के बाद इसका गुड़ बनता है। दादा ये सकोरे किस लिए हैं, पीने के लिए? दादा कहाँ है दादा? ये सकोरे जो रखे हैं मिट्टी के, ये किस लिए हैं? काफ काफ अच्छी है इसका बनता है, ये सांचा है, ये देखो इसका बनता ये है। गुड़, ये दादा गुड़ दिखा रहे हैं, ये मालिक हैं, दुकान के मालिक इसमें, हैं जी। इसमें गिला वाला, इसका गिला वाला गुड़ है, अच्छा गरम है, ठंडा हुआ बाद में। ये दादा हैं, इसमें लो ड्राइवर का वो कहता है, ये देखो एक मिनट दिखा दो, ये गुड़ है, ये मालिक हैं दुकान के, ये गुड़ बनाते हैं खजूर का, वेस्ट बंगाल। अरे मेरी तरफ, मेरा खा ले। ये हाईवे हैं, ये कलकत्ता हाईवे पर सारी दुकान हैं, ये है दुकान एक, आगे वो झोपड़ी टाइप की जो लगी है वो है, ये कलकत्ता हाईवे का ये पूरे ट्रक जा रहे हैं, देखो ये कलकत्ता हाईवे पर पूरा कलकत्ता हाईवे पर ये पूरे गुड़ जो खजूर का गुड़ बनता है उसी की दुकानें हैं। खजूर का रस चाहिए तो इन बोतलों में भर के देते हैं भैया, और गुड़ चाहिए तो गुड़ ये यहाँ इनका बनता है, मैंने अभी आपको दिखाया, ये है चाशनी जो बनती है गुड़ के लिए, इसमें और इन मटकों में रखा जाता है। तो आज हमारी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कि खजूर का गुड़ भी होता है, जनता को पता चला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।